अगर जन्नत में जाने का इरादा हो कमाने का, गले में जान लो तो के मोहम्मद की गुलामी का। जो खुदा पर आशिकी बख्श वाले तिरखा कौन बड़ी बाजी नजर आया। भावे शात भावे गदा हुए काटा लेके हुए से भज भज आया। अल्लाह करम करीम काल की तागिया दुखानी रज रज आया। नासिर सदिया बाद में लग गए जिव सोना दुनिया पे आया। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه। मुअज़्ज़िज़ साबिरीन, मुकर्रम हज़रात, बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन, मेरे इंसानी वाजिबुल इहतराम भाई, जुमातुल मुबारक का दिन है और बेहतरीन जगह अल्लाह का घर है। आज इस मुख्तसर वक्त के अंदर एक मोहलिक बीमारी का जिक्र करे था जिसके अंदर हर बंदा मसरूफ है, हर बंदा मुलव्वस है। सारे अंदर वो बीमारी मोहलिक बीमारी घुस गई है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे मकामी है, चाहे मुसाफिर है, चाहे ताजर है, चाहे कारोबारी है, चाहे जिम्मेदारा करेंगे, चाहे आलिम है, चाहे अनपढ़ है, वो मोहलिक बीमारी क्या है? वो मोहलिक बीमारी हसादी। ये वो सब बुराई नहीं समझते। हालांकि कुरान करीम के अंदर भी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह खुदामुद्दीन के अंदर लिख देते कि ये ऐसी मोहलिक बीमारी है, हादसे की मिसाल ऐसे है जिवे के अंधी पीढ़ी गई कुत्तिया चटे नहीं गई। अंधी को यह नहीं पता मैं कितना पीसा है, मार पीस है, 10 किलो पीस है, किलो पीस है, तो को नहीं पता। कुत्ती चटे नहीं गई है क्योंकि कुत्ती को बेल का नहीं आवड़ा, बेल जेड़ा भर रहा है उन्हें ख्याल कर दे खाने। होटल में रहनी है कुछ देर भी है, दाल भी कितनी प्लेट पैसे लेते हैं, आदमी इतने लैसा, गोश्त कितने लैसे, आदि इतने लैसा, क्योंकि को पता है मैं बेल भर रहा है। ये बेल नहीं भर रहा वो तो समेटती रहती ना, कुत्ती को मेल थोड़ा भर लाई। तो मौला अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हादसे के साथ ऐसे है जैसे कंधी पी दी गई तो कुत्ती चटे नहीं गई। और हद करने वाला बंदा बड़ी तो बड़ी नेकी कर लवे, अल्लाह के घर की ज्यारत कर लवे, महबूब के गुंबद खिदमत की ज्यारत कर लवे, पुराने करीम सिर के अंदर रख लवे, हद की वजह नाल अल्लाह पाक उनकी सारी नेकी बर्बाद कर। अच्छा ऐसी बुरी चीज। दूसरी रिवायत अंदर है अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह कबीरा है, असद गुनाह कबीरा है, इस तू बचो, इस तू बचो, क्योंकि नेकियां कोई वे खराब कर वेंदे कि वे आग लकड़ी को खराब कर दे। जो मेरे महबूब का फरमान है जिस महबूब की शान के अंदर एक लिख दे गुलाम लिख दे ओला जबाल की शान की पूछ दे, ओला जबाल की शान की पूछ दे, जिन पेर चुमे हवाने ते जिन सर ते
सुल्तान ओ सईदे अदब करे दिल क्या अदब करे शैताने उनिया रीसा नादिर कौन करे ये दशेरा पाक पुराने सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कुरान करीम के अंदर भी अहादीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी असादी दी बुराई बयान फरमाई असादी दी बुराई बयान बुराई बयान फरमाई मौला अल्लामा नौदी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 के अंदर लिख दे कि हसद का माना क्या है हसद का एक वादन फरमाया अल हसद तमन्ना जिवाल उन नेमत जेरी कहे बंदे कोल मेरा कोल को नेमत है कोई चीज उन्हें बोले ओ आखे ये से कोल ना होवे मेरे कोल होवे कहंदे कोल कारे वादे एक उचड़ा वादे मैं चढ़ा कहंदी अच्छी कोठी है कहंदा ई नी कोठी क्यों है मैं कह मेरी कोठी हो या कहंदी कोई शाह है आ गई ते कोल क्यों है मेरे गुलाम वजिया असा दी चीज ना है मेरे मसीह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा ला तहासदु वला तबाबदु हां वला तकाबरु कोनु इबादुल्लाह इखवाना लोगो हसद ना करो लोगो बोगद ना करो और लोगो एक बार करो मुंह ना फेरा करो कोनो रे बात माल खवाना ए सारे दे सारे भरा बन के जिंदगी गुजारो सारे दे सारे और आप अली इस्लाम को सामने मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 जिंद लिखा है वला यहुल मुस्लिम आया खुदा अहा तो कसलाल फरमाया किसी मुसलमान वास्ते ए जायज नहीं कितना ज्यादा से ज्यादा कहना कोल काल खत्म कर दे मेरे भाई हसद ऐसी बुरी चीज भला ऐसा इसको गुनाह नहीं समझा हसद पहले यहूदी लोगों के अंदर आई और मुसलमानों के अंदर वाड़ गई भी समझ करो भी खुश हो आई अक्रो भी मांद अल्लाह बबियन आई नजर अल्लाह भी फजली फरमाया सब तो पहले हसद जरा है यहूदी के अंदर आई और मुसलमानों के अंदर हम खुश किए मुसलमानों के अंदर हसद को हसद एक इबलीसी आदत है शैतान की आदत है रहमान की आदत नहीं शैतान की आदत है जेरा कहने हसद करे दे अल्लाह पाक ने गुड दे रहे दे उनके खुश दीवे उनको मुबारकबाद देवे वो दिल खुशी ना लुकू बर्दाश्त करे लेकिन हासिल बंदा बर्दाश्त नहीं करता देखो ये हसद ही बने ना शैतान जिंदगी भर भी देख के जय करता जिंदगी भर भी देख के जय कर बैठा लाना का चौक पा बैठा यो असद है कि काबिल ने विराह को मारा और यो असद है हजरत शाह अब्दुल्ला जी मुहद्दिस देर भी रहमतुल्लाह अलैह लिख दे कि आसमाना ने गुनाह होया वो शैतान का हसद है जमीन ने गुनाह होया वो आदम अली सलाम व सलाम के बेटे काबिल का हसद है भाई को ने कतल किया कि यो हसद है कि यूसुफ अली सलाम व सलाम को याकूब अली सलाम व सलाम यानी बाप को जुदा कर दिया फौवा कभी अखा दे बैठे कबर ठोक गई यूसुफ अला नबी जी अलैहि सलाम व सलाम के खिलाफ के अंदर दूसरी बात हसद एक ऐसी बुरी चीज है क्या इंसान से देख के तो मारूम नहीं रहना बल्कि इंसान अपनी जान भी दे पा दे अपनी जान भी दे पा दे हसद एक ऐसी बुरी चीज है आहियान उलूम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हुई किताब है जिल्द नंबर 3 है सफा नंबर 185 है उधर का लिखा है बादशाह की कचहरी के अंदर एक बंदा आंदा आई एक बंदा बादशाह की कचहरी के अंदर आंदा आई बादशाह को आंदा है बादशाह सलामत जेड़ा नेकी करे उन्हें नेकी कर जेड़ा बुराई करे उन्हें वास्ते बुराई काफी चुनाते रोजाना आके ये टू लाभ लाके चला वाले तो बादशाह को अच्छा समझने लग गया बादशाह अच्छा समझने लग गया
तो एक हासिल बंदा वैसा आई वह कहना चाहता सारी जिंदगी बादशाह को लानी है सारी बादशाह करा डाल भी नहीं सुनी कोई बादशाह बातचीत भी नहीं की थी एक काला ला भी है बादशाह ने करीब की थी हासिल बंदा किथे रह सकते और एक बंदे इतनी गाल करके घाटे लग गया हासिल उठा बादशाह को आज बादशाह सलामत यो बंदा तेरे को नफरत करे दे बाकी हजरत मैं ना तो मोहब्बत करें दे नफरत की भी करें दे आखला का ले कल ले देख ला कल तू देख ला मैं ये तेरे को लाती मुंह तू ने जाके तो कपड़ा लिखती होता हूँ ना क्या अच्छा ये हासिल बंदा भजा खाना पकाया खाने ने भी लसन ज्यादा पाते थूम ज्यादा पाते जा थूम जो वो बो आनी है गंडे जो बो आनी है उन्हें वाले के हाथ से खा के नेक बंदे ने कहा खाना नहीं था यार तू खाना खा मैं तेरे वास्ते लाया है लेकिन उपरा मतलब आप एक मकसद वास्ते लाया है तो खाना खाओ अल्लाह किया खाना खादा बादशाह ने बोलो आमड़ा आई और लसन जो बो आनी है पहुंचे तो बादशाह नहीं था कि यार बाकी ये बंदा मेरे को नफरत करेंगे उन्हें बंदे की गाल सच्ची आई उन्हें बादशाह को ये लू लाभ रखा है बादशाह सलामत नेकी वास्ते नेकी कर जो बुरे वास्ते बुराई काफी चलो बादशाह ने चिट लिखी चिट अंदर ये लिखा है कि ये बंदा आना भी है फला जगह तू उसको कत्ल कर दे शेरी का काट के इधे जिसम के अंदर भूसी तोड़ी भाग दे जो को मेरे को वापस कर दे चुनाचे उन्हें एक बंदा नेक बंदा खत लै के मैदा पिए अगु हासिल बंदा आ गए पुछदा मियाँ किते वेंदा पी है अगला अगर बादशाह दा खाते में फला बंदे को कुछ आवन मेला इवे को कमी या नाई या पिराई को कुछ आवन बंदे का जिम्मेदार को खात खुश खबरी दा ओ खुश खबरी जंगल को कुछ देने कोई माजी भी दे देने कोई पैसा तका भी दे देने कोई दरिया दोहर वगैरह भी दे देने के सारे फला जगह खुशखबरी आई है और अगल अगर यार मैं खुद एक समय ना रहना वहां से बंदा आके लेकिन नेक बंदा आके तो यार बादशाह का खत मेरे को मिले मैं ही ना वैसा उस बार बार इसरार किया इसरार करने के बाद बादशाह का खत मुझे ऐसा हाथ हाशिद ने रह लिया और ये नेक बंदा वापस आ गया और हाशिद बंदा वो आमिर बोल पहुंचा फला शहर पहुंचा खत जाके दिखाया खत उन्हें आमिर ने खोला खत के अंदर लिखा हुआ आई के बंदा आना पिए इधर सर कलम करके इधर अंदर थोड़ी भर दिवा मेरे को वापस कर दिवा जिस वगैरह लिखा है उन्हें पढ़ा तो आखा लगा यार मैं कोई नहीं बिया बंदा आना पिया आई मैं उस तू खत लिए और तू सब ठीक क्या करो तू सा उस बादशाह को कुछ लाओ आखा लगे नहीं नहीं सारा बा भूले के बादशाह ने लिखी हुई गाल को सब दोबारा नहीं पूछते अल्लाह अकबर उन्हें सर कलम कर दिता और जिस समझ अंदर तूड़ी भा दी अल्लाह अकबर दूजे जहरा होया दूजे जहरा होया वह नेक बंदा बादशाह की कचहरी के अंदर आ गया बादशाह की कचहरी के अंदर आ गया बादशाह हैरान हो गया अगर अगर तू तो खत लैके गया हमें तू जिंदा वापस आ गए क्या वजह और नेक बंदे आखान जाती वो फला बंदा जरा बैठा आई मैं को आधे खत मेरे को देता मैं खत ले लेना मैं खत ले लेना चुरा जो बंदा खत लेके गया उन्हें आगा तू बाकी सच्ची गाल करे ना हमें नेकी करण वाला वास्ते नेकी करो जेड़ा बुराई करे उन्हें वास्ते बुराई काफी है वो तोड़ गया हत्ता गया अल्लाह अकबर फिर बादशाह ने उस पर पूछा हाँ भाई तू जिस वक्त कल आया हमें ते मुंह दे कपड़ा क्यों रखा होया नक दे क्यों कपड़ा रखा होया है क्या वजह मेरे जो बो आंदी आई बादशाह को आदे बादशाह सलामत हूं बंदे ने मैं को खाना दिता है हूं बंदे ने मैं को खाना जिस वक्त दिता है उनमें लसन दे प्याज ज्यादा पा लिता आदि मुंह जो बदबू आंदी है तू शेख अल्लाह।
मैंने एक मूह चू बद गुमान की आई लसन की गंढा की मैं अगर बादशाह को बदबो ना पहुंचे यही वास्ते मैं मूह तू कपड़ा नीति बढ़ा आमी मैं गुरुद्वारे नफरत कोई नाई मैं गुरुद्वारे बुगज कोई नाई मैं गुरुद्वारे हसद कोई नाई यही वजह मैं नीति बढ़ा आवे कि बादशाह तक मेरी बदबो ना पहुंचे चुनाचे बादशाह ने आखा बादशाह ने आखा मियां और टुर गया हाजिर बंदा टुर गया तो लोगों मेरे भाई और दोस्त बुजुर्गो मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इया उमर हसद बैन हसद या खुलुन हसनात फरमाया लोगो हसद तू बचो हसद तू बचो हसद तू बचो हसद देख के इवे बर्बाद कर वेंदे हसद इवे देख के खराब कर वेंदे इवे के आग लकड़ी को खराब कर वेंदी है लकड़ी के जलावा दी देर सुहा करके रख दे सी कोला करके रख दे सी हासिद बंदे दी देख के इवे बर्बाद हो वेंदी है लकड़ी बर्बाद हो वेंदी है खुशहाली को देख दे हसद न कीता करो कहती खुशहाली को देख दे सड़े कुछ ना करो इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के कब्जे के अंदर है बस इज्जु मन कशा बस जिल्लु मन कशा ब्याज कर खाई इन्ना काला कुल्ली शैल कदीम तू हासिल बंदा जेड़ा आई और खत्म हो गया जेड़ा नेक बंदा आई उनकी नेक की जिंदगी ना हो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं लामे का भरोसा नहीं चलते चलते नेके को बर्बाद करके ना वजो नेके को ना लाके वजो ताकि अगा भी काम आवे दुनिया की कमाई दुनिया तक ला बैठी दुनिया की कमाई नहीं वेंदी ना आज तक आगी है ना को कल तक बड़े बड़े शाहजोर हजारा बड़े बड़े शाहजोर हजारा दुनिया कर आए जब पैगाम मिला मौला दा बिस्तर झाड़ उठाए वो बाग था जिसके लाखों हजारों माली थे सिकंदर जब दुनिया से रुखसत हुआ तो दोनों हाथ खाली थे मेरे भाई और दुनिया की कमाई दे भरोसा ना करो दुनिया की मालदारी दे भरोसा ना करो ये सारे भरोसा ना करो ये सारी कोई देनी कोई नहीं ये भरोसे वाली जगह नहीं है जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है यही बरत की जा है तमाशा नहीं है मिले खाक में अहले निशा कैसे कैसे अरे बकी हो गए लामका कैसे कैसे ये स्वास्थ्य मेरा खाली सलात वस्लाम ने फरमाया कुमर हसद फाइनल हसद या खुल हसनात कमा था खुल नारुल हसद फरमाया हसद तू बचो हसद तू बचो हसद ने के कोई में बर्बाद कर वेंदे ये वे के आग लकड़ी को बर्बाद कर दे दिए दियाल दी लकड़ होवे बड़ी कीमती लकड़ होवे वो को पतीला लाओ पीला लावा दी देर फरमाया को राख करके कर रख दे थी और फरमाया ये ला बंदा हसद करेंगे चाहे कोई भी हसद करेंगे उनके देख के ही बर्बाद थी वे किसी में के लकड़ बर्बाद थी गई है एक बंदा मरण लगा पुत्र को आधे सारी जायदाद मेरे सामने कटी सारी जायदाद मेरी सामने कटी करो सारा जरा कुछ इकट्ठा की गया और रोने की है जायदाद दे जाए हर इसी कोर नाल में जायदाद कटी की थी मुरब्बे बड़ा है ये किता वो किता और मेरे हाथ हुए थे सवेरे को बाबे की कमर दे मैं कह लू आंसू आ गए यही बाबा ही मैं नबी हूं ना यही मैं नबी हूं ना इंसान ये सब बात लावे ना भरोसा करे असल की ना सारे पर मुकदा नहीं असाद की ना मुकदा नहीं मेरे आका अली सलात व सलाम ने फरमाया ला खा दबो वला तदाबरु वला तबावनु बोगद ना करो असाद ना करो फरमाया जाए को मुंह ना मोड़ो क्या करो पूरो इबाद अल्लाह इखवाना मुसलमान बन बन के जिंदगी गुजारो भला यही मुस्लिम अल्लाह खुदा अखाओ फौक असरात किसी मुसलमान वास्ते ये भी जायज बनी कि क्या बिहार तय जा रहा ज्यादा बोल चाल खत्म कर दे सारी सारी जिंदगी बोल चाल हो नहीं नमाजें पढ़ दे
पुरानी पढ़ते हैं, दीन ही सीखते हैं, घर में दीन की कमी कोई नहीं, हर जगह अमल की कमी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है नजार। मरो लगा लोगों ने बंदी कट्ठी करके रख ली थी, रोंद भी है हसरत करे लगती है, हाय मैं ही कट्ठी की थी, ई कट्ठी की थी, ई कट्ठी की थी, खावना नसीब था। इतने अंदर इतना ही रह गए, अब ये रोंदा क्यों है, क्या वजह क्यों रोंद है, जिस खुदा ने तक मट्टी दीती है, हूं खुदा ने मैं तेरी रूह कब्ज करने वास्ते भेजे, मैं तेरी रूह कब्ज करने वास्ते आया, आखा लगा यार मेहरबानी कर, मैं कोई बड़ी मोहलत देखा, मोहलत देखा, कोई वसीयत कर लावा, कोई नसीहत कर लावा, आखा लगा नहीं नहीं, धार हूं गए मट्टी हूं दिए, जेदाक हूं दिए, लेकिन बोला दी फुर्सत कोई नहीं, बोला नहीं वो ताकत का नहीं, नसीहत करने का वक्त कोई नहीं, वसीयत करने का टाइम कोई नहीं, कि नहीं आका जिस साथ अंदर, जिस घड़ी के अंदर, जिस वक्त के अंदर, जिस लावे के अंदर खुदा ने मेरे को हुक्म दिते हूँ, हूँ लावे के अंदर में तेरे रूह काबिल करे था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या माफी बंदा भी आई, यही रही नहीं रूह काबिल कर ली, सारा कुछ चला गया मेरे भाई, ए थोड़ी जी जिंदगी है मेरे भाई, थोड़ी जी जिंदगी ते कर लो इबादता, थोड़ी जी जिंदगी ते कर लो इबादता, अल्लाह ने कुरान दिया कर लो तिलावत, और पढ़ गए यार कुरान आकर मर मंजरा है, कच्चे मकान तेरा कबर रंगारिए, कच्चे मकान तेरा कबर रंगारिए, इसी तरह कोई जिते बुहत न बारिए, जोर खबर यार समान आखिर मर बदला है, ए पानी सारा जहां, ए पानी सारा जहां आखिर मर बदला है, चल दे दाए मेहमान, चल दे दाए मेहमान आखिर मर बदला है, कच्चे मकान तेरा कबर दारिए, निसी दा ना कोई जिते बुहत न बारिए, जोर खबरदार यार सवाल आखिर मर बदला है, मेरे मदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो हसद ना करो, हसद ना करो, हसद करना गुनाह कबीरा है मेरे भाई, हसद करना गुनाह कबीरा, इय्याकुम अल हसद फइन्नल हसद याकुल हसना कमा ताकुल नारुल हतब, फरमाया हसद तू बचो, हसद तू बचो, हसद तू बचो, हसद की पहले मैं मिसाल दे गया, कहना कारोबार चलने लग गया, मैं हसद असर करने लग गया, यार का नहीं है, इतनी मोटर ने चलन पा गया, इधर नौकर तो घर आ गए, कह अल्लाह पाक ने खुशहाली दे की, भोगत करण पा गया, असर करण पा गया, यार का नहीं आ नहीं दे, ना बल तो को खुशखबरी दो और उनको खुश करो, कि अल्लाह पाक ने दे, इधर का अल्लाह पाक ने तक उठता है, अल्लाह पाक ने मन वाले, ए ना भोगत करण आ, उनकी इज्जत नहीं घटती, बोझ करने उनकी बैज नहीं घटती, असर करने उनकी कोई इज्जत के अंदर कारोबार के अंदर फर्क नहीं होता, अपना सीना जले थे, अपना कुछ जले थे, इस्लाम ने फरमाया असर तू बचो, असर तू बचो, फरमाया के ये बंदा असर तू बच दे, फरमाया चंदर जंदर दाखिल हो गए सुख दो सुहा। इमाम गजाली इमाम की जाली रहमतुल्लाह ने आयार उलूम देखो जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 182 मैंने कोई किताब लिखी हुई है, लेकिन टाइम थोड़े 5 मिनट बाकी रहने, बल्कि मैं आगे 5 मिनट बंद करा, उन्होंने लिखा محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ ایک جلدی بندہ آمن والے ایک جلدی بندہ آمن والے نے جلدی کو لے کر دیکھ لے تو حضرت عبداللہ نے عمر فرمائے حضرت بھی فرمائے اصل یہ ہے بندہ آیا انہیں سجی آتے میں جھکی ہیں داڑھی دا پانی ٹپک ٹپک دا ودے 2 मिनट 4 मिनट महबूब को चला गया, एक अंसारी साहब
भल आपकी दूजी जगह बल फरमाए दूजे दिहाड़े भलो साहब भी आए तीजी जगह बल फरमाए कि जल्दी कहे जल्दी को देख रहे देख लग चला गया। तो हर अब्दुल्ला भी अमर बिदास रजी अल्लाह तआला अनु अगर अगर ये हमें अमल करेगा इधर केड़ा अमल है खुद महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुने देगा कि जब जल्दी को देख रहा को देखे अरे मैं उन्हें घर से लग गया त्रै हजार में उठ गया त्रै हजार उन्हें गोड़ नहीं होगी मैं पूरी गाल कोई समझ नहीं आई पहले सिर उठीदा रात में बात करे बात करे जिस पर सब मामूली गुला समझ जाने गुला कबीर है यो गुला जेड़ा मैं बयान कर रहा गुला कबीर है जेड़ा असाधा सा करे असाधी बात करे उन्हें उसको पूछा यार त्रै हजार ठीक है देखो मेरे महबूब सिलसिले में जल्दी आके साको आकर जल्दी को देख लगा बना ले तो तेरे पल्ले नहीं कैसे कर तू रात को की इबादत करे ले असल इबादत नहीं करे ले क्या वजह तेरा अमल करे अहया उल उलूम तंद लिखा है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एहो फरमाया मेरा अमल सब तो बड़े में असद नहीं मैं कहना असद नहीं करेगा असद असद के पीछे बैठे कहने कारोबार चल पाए मैं वसन का हूँ कहती फसल अच्छी नहीं पावे और लोग मर गए कुछ हालांकि मेरे आ काल इस्लाम को इस्लाम ने फरमाया ला तबाग दू बला खाच दू बड़ा दिता भरो कौन इबाद अल्लाह के खवान है और सोने महबूब का फरमान है आधा जमीन से आई चंदा जमीन से आई राजा ने खुशबू को नहीं खत्म की तेरे मेरे जो जिसम जो पसीना दे बलू दिए अरे महबूब ने जिसम मारे को जो पसीना दे खुशबू आ ऐसी खुशबू नहीं किसी फूल में जैसे मेरे नबी के पसीना में बड़ा खैर अगर लगा मेरा अमल है मैं असाद नहीं करेगा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वाक्य में नगर गल में दुआ कर ली बोले मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह का प्यारा दोस्त है ऊपर मैंने कि मैं आज से साथ चल ले एक बंदे को लिखा आज से चल ले एक बंदे को मैं लिखा मैं बड़ा हैरान हो गया या अल्लाह कितना खुश नसीब बंदे तेरे आज से साथ चल ले ये कौन है इन्हें ना क्या है राम ने फरमाया इन्हें अमल में रहते ना लेकिन ना नहीं रहते ना इन्हें क्या अमल है फरमाया पहला इन्हें अमल क्या है पहला इन्हें अमल है कि ये बंदा हसद भी करेगा दूजा भाई अमल है कि वालदैन का ना फरमान कोई नहीं वालदैन का फर्म बरदार है क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यदखुल जन्नत ला यदखुल जन्नत खातियों जेड़ा प्यो मां दा ना फरमान है कला जन्नत च कोई ना वैसी मेरे भाई दू अमल तीजा अमल ही दे के बंदा चुगल खोर कोई नहीं चुगल खोर ही गया जी मेरी गल उन्हें तक पहुंचाई उन्हीं गल उन्हें तक पहुंचाई उन्हें गल उन्हीं गल पहुंचाई और ना लबाऊ यो गल है काल जने लबाऊ यो गल है मसीद लबाऊ यो गल है मदरसा लबाऊ यो गल है बाजार अंदर यो गल है जब तक ये गाली ना सुन तो सारे को कोई अदम नहीं दिया हालांकि मेरे आका इस्लाम को सलाम ने फरमा ला यदखुल जन्नत नमामुन फरमा चुगल खोर जन्नत दाखिल को ना होती चाहे मैं ही क्यों ना चाहे तुसा क्यों ना होए ते सीधे उस परेज करो आखिर लगा मेरे सारे अमल है पहला अमल क्या मैं ऐसा नहीं करेगा दूसरी बार दूसरा मेरा अमल क्या है अल्लाह ने फरमा दूसरा इधर अमल क्या है प्यो माँ का फरमा मरदार है तीसरा अमल क्या है एक चुगल खोर कोई नहीं एक बात अल्लाह पाक साक्षी सब बोले बीमारियां तो महफूज फरमा आका जहाँ के सारे नजारे आका जहाँ के सारे नजारे तुझे सलाम कहते हैं फलक में चांद सूरज सितारे सलाम कहते हैं जिनू या बशर या मलाइका सब तेरे दर पे आके सलाम करते हैं वाह सुबहानल्लाह।